दोस्तों नमस्कार, ब्लॉगर सुरेश में स्वागत है। दोस्तों अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल के रास्ते में हूँ और मैं जसपुर से स्कूल आना जाना कर रहा हूँ। तो ये जो जगह है ये घोलेंग से आगे का है और देवी डड़गांव से पहले का है। तो आज घोलेंग के रास्ते से होकर जा रहा हूँ। तो देखिए ये हरा भरा जंगल, बहुत ही बेहतरीन जंगल है यहाँ पास और यहाँ पास का सीन मुझे बहुत बेहतरीन लगता है, इसलिए यहाँ रुका। और इधर देखिए ये रोड में हमको जाना है और इधर बाइक खड़ी है और इधर से मैं आ रहा हूँ। तो अब मैं स्कूल अब जा रहा हूँ और आप लोगों को रास्ते का व्यू दिखाता हूँ। तो चलिए अब मैं अब आगे निकलता हूँ और तब तक आप रास्ते का व्यू एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अभी मैं विद्यालय में हूँ। तो ये देखिए विद्यालय का नज़ारा। तो अभी कोरोना की वजह से रोस्टर में ड्यूटी चल रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग को एक दिन छोड़ के एक दिन स्कूल आना पड़ रहा है। तो मैं स्कूल से घर पहुँच चुका हूँ। रूम मेरे स्कूल से जसपुर तक का दूरी जो होता है 18 किलोमीटर होता है। अभी मैं बालाछापर वाला रास्ता में आया, तो इस तरह का जर्नी था। दोस्तों मैं जहाँ रहता हूँ जसपुर में, तो वहाँ जो है छत पर आ गया हूँ। तो देखिए इधर पूरा सिटी का नज़ारा देखिए बेहतरीन। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी सनसेट हो रहा है, तो हम आपको दिखाते हैं सनसेट का बहुत बेहतरीन नज़ारा। तो ये देखिए ये सनसेट का नज़ारा कितना बेहतरीन लग रहा है। और इधर ये विजय भूषण सिंह देव गर्ल्स कॉलेज और इधर देखिए पुत्रीशाला है। तो इधर ये कोमड़ो वाला पहाड़ है, ये देखिए इधर पश्चिम साइड है। कितना बेहतरीन सनसेट, कितना बेहतरीन जो है सूर्यास्त का नज़ारा। देखिए बादलों के ओट में जो है सूरज देवता छिपे हुए हैं। तो इस तरह का नज़ारा है, हम आपको 360 डिग्री दिखाते हैं। तो ये देखिए, तो शाम शाम को छत पर आना बहुत बेहतरीन लगता है,
क्योंकि बहुत ऊंचा जगह में यह है, ये करीब ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर में है। और इधर देखिए ये गर्ल्स कॉलेज का मैदान, ये देखिए यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और दोस्तों हम मैं बता दूं कि मेरे यहाँ जो है जियो का नेटवर्क जो है बहुत वीक है, मतलब बिल्डिंग के अंदर, और मैं पिछले 2 सालों से जो है ट्राई कर रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ जो है जियो का नेटवर्क सुधर जाए। तो उसी के फलस्वरूप इधर देखिए ये जियो का साइट लग रहा है, और अभी अभी इंजीनियर लोग आए थे और काम अभी चल रहा है। तो अभी ये साइट अभी ऑन द वे है, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन चालू है इसमें, बाकी अर्थिंग और जो है वायरिंग का काम हो गया है। तो ये देखिए इस तरह का, तो इस तरह का जो टावर है इसको स्मॉल सेल कहते हैं, आउटडोर स्मॉल सेल ODSC। ये विशेषकर शहरों में लगता है जहाँ पर जो है घना आबादी होता है, वहाँ इस तरह का टावर लगता है, जिसमें ये दो छोटे छोटे रोड हैं। और ये रोड ज़्यादा हाइट के नहीं है, करीब 8 या 10 मीटर होंगे, मुश्किल से उतना भी नहीं होगा, कम ही होगा लग रहा है। और ये बड़ा सा बक्सा है जिसमें पूरा इक्विपमेंट रहेगा। तो ये 2 पोल हैं और इसमें 2 एंटीना लगेगा छोटा छोटा, और इसका रेंज ज़्यादा नहीं होता दोस्तों, इसका रेंज मुश्किल से 100 या 200 मीटर की दूरी पर होगा, मतलब ये जो जितना ये आसपास का जो इलाका है ना, ये सब घर सब देख रहे हैं, वहाँ तक कवरेज जाएगा। और हम लोग का जो बिल्डिंग है ये है नीचे, यहाँ हम लोग रहते हैं, तो कवरेज जो है जियो का सुपरफास्ट नेट जो है आगे चल के मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, तो अभी ये काम चल रहा है और 10-15 दिनों में नेटवर्क चालू हो जाएगा। तो ये आउटडोर कैबिनेट है, इसको ODC बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये पिलर है, इसमें एंटीना लगेगा और माइक्रोवेव लगेगा, मतलब कोई जो है जियो का टावर जो मेन टावर है उससे कनेक्ट होगा लिंक के लिए, नेट लिंक के लिए। और ये जो है लिंक होके फिर इसमें 2 एंटीना लगेगा। तो इस तरह का है सिस्टम। तो ये पूरा केबल वगैरह नीचे गया है, इलेक्ट्रिक केबल है ये, और ये नीचे गया है। तो इस तरह का है, तो इसके लिए मैं पिछले 2 सालों से प्रयास कर रहा हूँ, 2 सालों से खूब कंप्लेन किया, फिर नेटवर्क जो लगाने वाले आए, फिर मेरे से कांटेक्ट किए, फिर मैं जो है जो हमारे जो मतलब जो हमारे मकान मालिक हैं, हम लोग किराएदार हैं, तो जो हमारे मालिक हैं उनसे बात किए, फिर ये जो है प्रोसेस हुआ। और कोविड की वजह से भी थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो टावर पहले ही बन के चालू हो जाता, लेकिन कोरोना की वजह से लेट हो गया और फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इस तरह का कहानी है। तो दोस्तों मैं अभी थोड़ा सिटी की ओर जाता हूँ, थोड़ा काम है और काम को निपटाता हूँ। तो चलिए ठीक है, अब हम आगे मिलते हैं। आज दोस्त से बहुत दिन हो गया नहीं मिला हूँ, तो देखता हूँ वो अगर फ्री होगा तो उससे मैं मिलूँगा, मेरे दोस्त ललित इंदवार से। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग विनोद दुकान में आ गए हैं, और अभी अभी ललित जी आए हमारे दोस्त विनोद जी। तो इनका दुकान पुरानी टोली सरस्वती मंदिर के सामने है। तो मोबाइल रिपेयर और मोबाइल जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी एक्सेसरीज है, उसके लिए आप यहाँ आ सकते हैं। हम यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कर दे रहे हैं। तो इस तरह का आज का दिनचर्या है, बहुत दिन के बाद ललित से मिल रहे हैं, तो इस तरह का कहानी है। अभी हम लोग कोविड के चक्कर में निकल ही नहीं रहे थे घर से, आज निकले हैं, कई दिनों के बाद मिल रहे हैं, बाकी फ़ोन में तो बातचीत होते रहते हैं। तो इस तरह का है, और बताइए हम लोग ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग अभी यहाँ बातचीत कुछ कुछ करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे का कार्यक्रम क्या बनता है। तो दोस्तों मैं टाउन तरफ से आ गया हूँ, दोस्त लोग से मिलने के बाद, ज़्यादा देर नहीं थे, बस 5-10 मिनट थे, फिर उसके बाद आ गया। और आते के साथ अभी रूम में गर्मा गर्म चाय पी रहा हूँ, ये अदरक वाला चाय।
तो आज का ये मेरा रूटीन ब्लॉग था, तो ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, अब हम आप लोग से विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और हम अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।